now today we are going to learn about new topic called design of threaded fasteners this topic is very important because without thread no machine tool is possible there are many applications where you require to join two component temporary right so without thread it is not possible let's take an example just look at your door house door

हमें मालूम है नट और स्क्रू में क्या प्रॉब्लम है और क्या एडवांटेज है उसके हम उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं उसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं राइट सो इट इज सेपरेबल यू कैन हैव योर डिसकनेक्शन विद द ज्वाइंट राइट सो सेपरेबल ज्वाइंट ऑफ टू और मोर मशीन पार्ट्स दैट आर हेल्ड टूगेदर बाय मीन्स ऑफ थ्रेडेड फास्टनिंग सच एज बोल्ट एंड नट हमारी जो कार है अगर पंचर हो जाए तो क्या करेंगे हम व्हील को निकालेंगे व्हील को निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा नट को जो है हमको क्या करना पड़ेगा स्पैनर से निकालना पड़ेगा तभी जाके वो बाहर निकलेगा ठीक है सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हील अगर हम यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग दिस थ्रेडेड फास्टनर इफ यू यूज वेल्डेड जॉइंट वाट विल हैपन यू विल नेवर एबल टू टेक आउट द व्हील बाहर निकलेगा ही नहीं पंचर करने में दिक्कत होगी राइट सो सेकेंड थिंग देर आर रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन सो व्हील के जो हमने एग्जाम्पल लिए तो वहाँ रिक्वायरमेंट है व्हील को बाहर निकालना ही पड़ेगा अगर डैमेज हो गया तो भी उसको निकालना पड़ेगा ठीक है ड्यू टू एक्सीडेंट सो देर यू हैव टू प्रोवाइड सम टेम्पररी ज्वाइंट सो हियर द थ्रेडेड फास्टनर इज अ बेस्ट ऑप्शंस ओके सो दे सिंपली इज टू और मोर कॉम्पोनेंट नाउ द एसेंबली ऑफ स्क्रू एंड नट ध्यान दीजिए थ्रेड की बात करेंगे तो दो चीज़ आएगी वो एक है इसको हम क्या बोलते हैं नट और बोल्ट बोलते हैं ठीक है नट और बोल्ट सो ये जो है इट इज़ अ बोल्ट एंड दिस इज नट और ये दोनों के जो पैर है उसको क्या बोलेंगे स्क्रू पैर स्क्रू पैर नट बोल्ट को एक ही वर्ड्स में बोलना है तो क्या कहेंगे उसको बोलेंगे स्क्रू पैर ठीक है सो द असेंबली ऑफ स्क्रू एंड नट इज इज ऑल्सो नंट स्क्रू पैर Now what are why they are used? What are the applications? So first application is to get the temporary joint. अभी मैंने डिस्कस किया कि हमें हाँ क्या करना है टेम्पररी ज्वाइंट बनाना है अगर आपके पास रेडियो है मोबाइल है लैपटॉप है या आपका दरवाजा है अगर वो बिगड़ गया है उसको रिपेयर करना है तो आप क्या करेंगे स्क्रू को अनबाउंड करेंगे बाहर निकालेंगे रिपेयर करके वापस लगा देंगे ठीक है सो इट प्रोवाइड द टेम्पररी जॉइंट ऑफ मेकेनिकल एलिमेंट एज अ फास्ट नर्स दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशंस और फंक्शन थ्रेड का दूसरा फंक्शन क्या है इट ट्रांसमिट द पावर एंड मोशंस। सो बेसिकली यू विल सी इन मशीन टूल्स ये जो फंक्शन है कहाँ का देखने को मिलेगा मशीन टूल्स में देखने को मिलेगा जस्ट फोकस ओवर हियर द इमेज इज टेकन फ्रॉम द लेथ मशीन्स तो ये क्या है लीड स्क्रू है ये क्या है लीड स्क्रू है जिसके ऊपर हम सैडल और टूल पोस्ट घुमाते हैं ठीक है डेप्थ ऑफ कट लेते हैं या फिर टर्निंग के लिए पैरल टू दर जो लेथ एक्सिस वहाँ पे हम घूमते हैं यहाँ इधर उधर राइट सो दिस इज ओनली पॉसिबल बाय दिस स्क्रूइंग राइट अगर स्क्रू है ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है राइट right? अगर आपको थ्रेड कट करने हैं तो यू हैव टू एंगेज ऑटोमेटिक थ्रेड कटिंग मेकेनिज्म राइट सो दैट इज ओनली पॉसिबल बाय दिस लिट स्क्रू यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या है थ्री है सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन हैव अ प्रॉपर एंगेजमेंट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ठीक है सो अगर आप बात करेंगे स्क्रू जैक की बात करें चलो वहां पे भी क्या है थ्रेड है तो उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं यहाँ का रोटेट करके इस पार्ट को हम लिफ्ट करेंगे ठीक है सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन लिफ्ट द चैसी और एक्सेल ऑफ द व्हीकल फॉर द रिपेयरिंग वर्कर्स रिपेयरिंग पर्पज राइट सो दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ थ्रेड थ्रेड के बिना पॉसिबल नहीं है सो हियर वी ट्रांसमिट द मोशन एंड पावर बोथ राइट सो मोस्टली इन मशीन टूल्स वेर एवर देर इज अ मोशन इज

नाउ व्हाट आर द वेरियस फास्टनर्स कौन कौन से है फास्टनर्स जिससे हम ये जॉइंट बना पाते हैं थ्रेडेड जॉइंट बना पाते हैं तो उसका नाम क्या है बोल्ट है नट है स्टड है स्क्रू है ये सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या होता है थ्रेड होते हैं विदाउट थ्रेड दे आर ऑफ़ नो यूज़ ठीक है विदाउट थ्रेड दे आर ऑफ ऑफ नो यूज़ तो इनकी बॉडी पर या फिर बाहर पे या फिर अंदर थ्रेड होने ही चाहिए तभी उसको बोलते हैं थ्रेडेड फास्टनर ठीक है नाउ लेट्स लेट समराइज द एडवांटेज ऑफ थ्रेडेड फासनर्स फर्स्ट इज स्क्रूड जॉइंट्स आर हाईली रिलायबल इन ऑपरेशंस देखिए हमें मालूम है कि आसानी से हम उसको क्या कर सकते जॉइंट बना सकते हैं उसको वाउंड कर सकते हैं और clamp कर सकते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस है उसका ठीक है सो स्क्रूड जॉइंट्स आर आल्सो कन्वीनियंट टू असेंबल एंड डिसअसेंबल सो बिकॉज ऑफ द रिलायबल इन ऑपरेशन दे वर्क लॉन्ग एंड सेफली ठीक है दूसरा क्या है उसकी वजह से हम असेंबल डिस कर सकते हैं दिस इज द एडवांटेज ऑफ द स्क्रू पैर और कैसे ना थ्रेडर फास्टनर नाउ थर्ड एडवांटेज अ वाइड रेंज ऑफ स्क्रू जॉइंट मे बी एडॉप्टेड टू वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशंस राइट अब इसका क्या मतलब हुआ है अलग अलग साइज में और अलग अलग उसके जो टाइप्स हैं थ्रेड के उसके हिसाब से हम थ्रेडेड जॉइंट्स बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि हमने वी ज्वाइंट लिया और वो सब सब में वही इस्तेमाल करना है नहीं वी कैन हैव अ स्क्वेयर ज्वाइंट अगर ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना है टॉर्क ट्रांसमिट करना है तो वी हैव टू यूज द स्क्र ज्वाइंट्स राइट वी कैन ऑल्सो यूज द ट्रेपिडो ज्वाइंट्स वी कैन ऑल्सो यूज द नकल ज्वाइंट्स सॉरी नकल टाइप ऑफ थ्रेड ज्वाइंट्स सो दीज आर द टाइप्स ऑफ थ्रेड सुटेबल फॉर वेरियस कंडीशंस राइट स्क्रूज आर रिलेटिवली चीप टू प्रोड्यूस दिस इज द एडवांटेज

थ्रेड कैसे होते हैं ऐसे हमने देखे हैं ठीक है लेट्स डिस्कस सो दिस इज सेंटर एक्सिस एंड दिस इज द बॉडी ऑन विच द थ्रेड इज कट नाउ बिकॉज ऑफ दिस हेलिकल ग्रू थ्रेड इज नथिंग बट हेलिकल ग्रू ऑन अ सिलिंड्रिकल बॉडी सो दिस चेंज इन द शेप ऑफ थ्रेड फ्रॉम यू कैन से लुक एट दिस सेक्शन इट इज हैविंग मैक्सिमम मटेरियल देन इट इज रिड्यूस रिड्यूस टू द पॉइंट देन अगेन सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन थ्रेड वी हैव दिस पॉइंट रूट एंड क्रेस्ट विल वर्क एज अ स्ट्रेस स्ट्रेस रेजर स्ट्रेस रेजर वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेस हो सकता है क्यों स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है एब्रूट चेंज इन द क्रॉस सेक्शन ये एक ये सेक्शन है फिर ये आया अगेन दिस दूसरा आया ठीक है तो हम जो लोड लगा रहे हैं तो वो वेरिएबल होता जा रहा है क्यों वेरिएबल मीन्स आई मीम टू से क्रॉस सेक्शन इज वेरिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट देर विल बी ए चेंज इन अ स्ट्रेस वैल्यू Induced stress will be it get maximum, then medium, then again maximum. So it fluctuates from maximum to minimum. And what as per the theory of stress concentration, because of the abrupt change in thread portion from first to the uh, sorry, from crest to the root, crest to the root, and because of that, they are likely to going to give you the stress concentration, right? So this is the disadvantage of threaded part or threaded fasteners. So we have to take care of this. हम जो भी डिज़ाइन करेंगे इस थ्रेडे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे ठीक है ये डायमेंशन है ये डायमेंशन है कौन सा डायमेंशन हमें डिज़ाइन करना है हम आगे पढ़ेंगे बिफोर वी लर्न अबाउट डिजाइनिंग ऑफ थ्रेडेड यू कैन से स्क्रू थ्रेड्स यू मस्ट नो द इम्पॉर्टेंट टर्म्स थ्रेड में अगर आप सोचेंगे भाई ऐसा क्या है थ्रेड ही तो है नहीं लेकिन उसके बहुत सारे टर्म्स हैं उसको समझना पड़ेगा सो so, सबसे पहला जो टर्म्स है वो है नॉमिनल डायमीटर नॉमिनल डायामीटर को मेजर डायमीटर भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ लार्जर डाययाटर राइट सो इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज सो वेर एवर वेनएवर यू मैन्युफैक्चर्ड इट और ऑर्डर द थ्रेड फ्रॉम द मार्केट यू हैव टू यूज एम थर्टी सिक्स लेट से थर्टी सिक्स मीन्स मेट्रिक थर्टी सिक्स एम एम डाययामीटर इफ़ यू सेम ट्वेल्व दैट मीन्स दिस नॉमिनल डाययामीटर इज ट्वेल्व मिलीमीटर इफ यूज केस ऑफ थर्टी सिक्स इट गोइंग टू बी ए थर्टी सिक्स राइट सो दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ थ्रेड यू हैव टू यूज द वर्ड एम इफ़ यू आर यूजिंग द आई एस ओ सिस्टम राइट सो फॉलोड बाई द डी जी इट इज अ सिम्पली वैल्यू ऑफ अ नॉमिनल डाया मीटर ठीक है तो ये जो है शार्प पॉइंट थ्रेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो शार्प पॉइंट है उसको बोलेंगे क्रेस्ट इसको क्या बोलेंगे क्रेस्ट और ये जो डीप वाला पोर्शन है ये वाला यहाँ पे दिख रहा है ठीक है दैट वी कॉल गोई टू कॉल इज रूट और ये पिच को कहाँ बोलेंगे पिच का मतलब क्या है इट्स अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ थ्रेड टू द सेम पॉइंट ऑन अ कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड अब इसका मतलब ये हुआ अगर हम ऐसे ले लेते हैं इस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हैं तो वैसा ही पॉइंट दूसरा यहाँ पे लेना है पैरल टू द थ्रेड एक्सिस तो ये जो डिस्टेंस बनेगा उसको बोलेंगे पीच आप ये भी पॉइंट ले सकते हैं क्रेस्ट टू क्रेस्ट राइट लेकिन डिस्टेंस कौन सा रहेगा सेम रहेगा सो so, अगर ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे थ्रेड के आजू बाजू जो थ्रेड है नेबरिंग थ्रेड है उसका भी वही पॉइंट लेना पड़ेगा सो दिस पैरल डिस्टेंस पैरल टू द थ्रेड एक्सिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच राइट देन वॉट वी हैव इज डेप्थ ऑफ थ्रेड तो डेप्थ ऑफ कहाँ बोलेंगे यहाँ से जो शुरू हो रहा है वहां पर खत्म हो रहा है उसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ थ्रेड अगर वो ज्यादा है तो क्या होगी कम हो गए तो क्या होगी राइट सो हियर नाउ सी दिस फिगर इज फॉर एक्सटर्नल थ्रेड थ्रेड कहाँ पे उसके हमने बनाए हुए हैं आउटसाइड ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी और ये क्या है एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल थ्रेड सो यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ थ्रेड इंटरनल और एक्सटर्नल अगर मेजर डायमीटर को यहाँ पे बाहर का जो लार्जेस्ट डायमीटर उसको बोलेंगे तो यहाँ पे मेजर डायमीटर कौन सा है अंदर वाला है ये वाला विच इज़ लार्जेस्ट याद रखें नॉमिल डायमीटर और मेजर डायमीटर आर सेम विच आर द हैविंग लार्जेस्ट वैल्यू लेकिन दोनों की जो थिंकिंग है वो सेपरेट हो जाएगी इफ़ यू आर कंसिडरिंग द एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड एक्सटर्नल मेथेड सबसे मेजर डायमीटर कौन सा है बाहर वाला है और इंटरनल थ्रेड में भी वही है मेजर डायमीटर हमें क्या कौन से कंसिडर करना है वैल्यू बेस करना है लेकिन इंटरनल थ्रेड में क्या होगा ये वाला आएगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिच डायमीटर तो पिच डायमीटर क्या है सो पिच डायमीटर इज अ बेसिकली अ डायमीटर ऑफ अ इमेजनरी सिलेंडर विच पास थ्रू In such a way that it divides the thread in equal portions, right? And that is imaginary diameter, pitch diameter. We will see by theories. Now, what are the minor diameter? Minor diameter is the smallest diameter. In external thread, this is the minor diameter, right? This is minor diameter, a smallest diameter. Okay. But again, for the internal thread, it is again remains smaller diameter from this crest to crest. Okay. So there are going to be a some opposite terminology. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लोप सो दिस इंक्लिनेशन ऑफ फ्लैंक ये जो सर्फेस है लेट मी ड्रॉ अवर हीयर दिस इज कॉल फ्लैंक द इंक्लाइन सर्फेस इज कॉल फ्लैंक अच्छा उसका जो स्लोप है उसको बोलेंगे जो इंक्लिनेशन है एंगल उसको हम क्या बोलेंगे स्लोप बोलेंगे नाउ एंगल ऑफ थ्रेड क्या है इट्स अ एंगल बिटवीन टू फ्लैंक सर्फेसिस मीटिंग एट अ रूट ये जो दो थ्रेड जो है उसकी दो सरफेसिस हैं या फिर यहाँ बोलें ये जो दो थ्रेड की जो फ्लैंक सर्फेसिस यहाँ पे मीट हो रही है तो इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है उसको बोलेंगे थ्रेड एंगल ठीक है और ये जो इंक्लाइन सर्फेस है हम उसको क्या बोलेंगे फ्लैंक फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने भी क्या लिखा है पॉइंट फाइव पीच मीन्स ये जो है आधी पीच है पूरी पीच निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा इट इज इट इज बाय वैल्यू मैथमेटिकल इट इज वन एम एम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ लेट्स ब्रश अप द सेम टर्म्स बाय डेफिनेशंस नाउ फर्स्ट इज मेजर डायमीटर इट इज़ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड अभी जो मैंने आगे थोड़ा पढ़ा है वही सेम है सो इट गोइंग टू बी ए लार्जेस्ट जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो डायमीटर जो है वो मेजर डायमीटर है अगर एक्सटर्नल डायमीटर है तो वो बाहर वाला होगा अगर इंटरनल है उसमें अंदर की तरफ जो भी वैल्यू जिसकी ज़्यादा है वो क्या है मेजर डाया है ठीक है नाउ द स्क्रू इज़ स्पेसिफाइड बाई दिस डाया अभी मैंने बताया भाई एम थर्टी सो एम थर्टी क्या है डेजिग्नेशन है अगर राउंड बार है हम उसको क्या बोलेंगे डायमीटर से बोलते हैं डेजिग्नेट कैसे करते हैं डायमीटर से करते हैं फाइव थर्टी अगर उस पर हमने थ्रेड कट किए हुए हैं तो थ्रेड को डेजिग्नेट करने के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं दिस इज नॉट द टेक्निक वी हैव टू यूज लाइक दिस एम थर्टी वी हैव टू यूज वर्ड एम एम डेजिग्नेट द थ्रेड पोर्शन राइट एंड द फॉलो टू डिजिट इंडिकेट द मेजर डायमीटर और यू कैन सी द नॉमिनल डायमीटर नाउ मेजर डायमीटर इज ऑल्सो नोन एज आउटसाइड और द नॉमिनल डायमीटर एज एक्सप्लेन कर लिया राइट तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये वाला कौन सा है नॉमिनल डायमीटर या फिर मेजर डायामीटर सिमिलरली इन इंटरनल थ्रेड क्या है ये वाला कौन सा है मेजर डायामीटर हैविंग अ लार्जेस्ट वैल्यू राइट इट इज ऑल्सो यूज टू डेजिग्नेट द थ्रेड नाउ वाट इज माइनर डायामीटर इट इज़ अ स्मॉलेस्ट डायामीटर ध्यान दीजिए डेफिनेशन पर स्मॉलेस्ट जिसकी वैल्यू कम से कम है ऑफ एन एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड इट इज ऑल्सो नोन एज कोर और रूट डायमीटर बिकॉज द डायमेंशंस इज मेजर फ्रॉम रूट टू रूट दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रूट डायमीटर और कोर डायमीटर इसको कोर भी बोलते हैं स्मॉलेस्ट पोर्शन राइट नाउ पिच डायमीटर इट इज ऑल्सो द डायमीटर ऑफ एन ए इमेजनरी सिलेंडर अभी मैंने एक्सप्लेन किया ऑन अ सिलेंडरकल स्क्रू थ्रेड द सर्फेस ऑफ द विच वुड पास थ्रू द थ्रेड ये इंपॉर्टेंट है हम किस को डायमीटर बोलेंगे दैट पास थ्रू थ्रेड एट सच पॉइंट एज टू मेक इक्वल विद ऑफ द थ्रेड एंड द ऑफ़ द द बिटवीन थ्रेड आइए करता हूं चलो हमने दो थ्रेड लिए अभी समझने के लिए ठीक है मैं पिच डायमीटर ऐसे ड्रॉ करूंगा इस तरह से तो ये जो थ्रेड है ये जो थिकनेस है वो क्या होगी इक्वल होगी ठीक है उसका भी क्या होगा इक्वल होना चाहिए या फिर ये जो स्पेस है बिटवीन द थ्रेड इज ऑल्सो गोइंग टू बी टी राइट सो अगेन लेट्स कम बैक द सरफेस वुड पास थ्रू अ थ्रेड एट सच पॉइंट्स वो कैसे पास होगा इस तरह से पास होगा दैट मेक्स इक्वल विड्थ ऑफ द थ्रेड तो थ्रेड की जो विड्थ है ये वाली वो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए एंड द विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन थ्रेड इसका मतलब ये हुआ इस तरह से ये जो जगह है ये इसके हिसाब से होनी चाहिए तो ये इज इक्वल टू दिस राइट सो दिस थिकनेस इज हैज टू बी इक्वल टू दिस ओके इफ दिस हैपेंड दैट डायमीटर इज रिफर्ड एज पीच डायमीटर राइट दिस इज द इमेजनरी डायमीटर रिमेंबर दिस इज द इमेजनरी डायमीटर इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज इफेक्टिव डायमीटर उसका दूसरा नाम क्या है इफेक्टिव डायमीटर क्यों इफेक्टिव डायमीटर है बिकॉज इट इज़ अ ओनली डायमीटर दैट टेक पार्ट इन पावर ट्रांसमिशन और लोड ट्रांसमिशन ओके दैट्स वाइट इज रिफर्ड एज इफेक्टिव डायमी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिच इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ थ्रेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन नेक्स्ट थ्रेड फिर से हम उसको समझने की कोशिश कर सकें राइट right? तो ये थ्रेड मैंने ड्रॉ किया अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं पॉइंट नंबर ए तो वैसा ही पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा आजू बाजू वाला जो थ्रेड है उसके ऊपर वैसा ही उसी जगह लेना पड़ेगा और उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल बी रेफर्ड एज पीच राइट नाउ पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस मेजर्स इन एक्सेल डायरेक्शन मतलब क्या है थ्रेड की जो एक्सिस है उसमें पैरल उसको मेजर करना पड़ा है कॉरस्पॉन्डिंग टू इन अ सेम एक्सेल प्लेन ठीक है अगर मैं प्लेन यहाँ ड्रॉ करता हूँ दैट पास थ्रू द थ्रेड एक्सिस एज वेल एज दैट पास थ्रू द दिस टू पॉइंट्स राइट नाउ मैथमेटिकली पिच इज इक्वल टू वन अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड पर यूनिट लेंथ ऑफ स्क्रू वेरी सिंपल अगर मानते हैं कि हमारे पास स्क्रू की जो थ्रेड थ्रेड की जो लंबाई है लेट्स से इट इज हंड्रेड और पिच डिस्टेंस जो है हमारा कितना दो एम एम है तो कितने थ्रेड होंगे वेरी सिंपल वी कैन से हंड्रेड बाई टू इज इक्वल टू फिफ्टी राइट तो फिफ्टी थ्रेड होंगे उसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं ठीक है सो इट इज सेम थिंग वन अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड पर नंबर नंबर ऑफ थ्रेड पर यूनिट लेंथ इसका मतलब यही हुआ कि थ्रेड की जो लंबाई है उसकी अगर हम एक यूनिट लंबाई लेंगे तो उसमें कितना डिस्टेंस आएगा राइट हाउ मच वैल्यू ऑफ अ लेंथ ऑफ अ थ्रेड इज ऑक्यूपाइड बाय वन सिंगल थ्रेड इज आल्सो रिफर्ड एज स्पीच तो मैंने उल्टा बोला है उल्टा मतलब चलो यहाँ से मैं करता हूँ ठीक है ये हाफ थ्रेड हुआ ये हाफ थ्रेड हुआ चलो मान लो इस हाफ थ्रेड को मैं यहां पे रख देता हूं ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा डिस्टेंस ये हुआ ध्यान से देखें तो ये जो है दैट इज पीच एज वेल राइट तो वो लेंथ थ्रेड लेंथ की एक थ्रेड कितनी लंबाई ऑक्युपाई करती है उसको हम क्या बोलेंगे पीच तो इंग्लिश में लिखा हुआ है पीच इज इक्वल टू वन अपन नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ ठीक है सो दैट विल गिव यू एन आइडिया हाउ मच लेंथ इज ऑक्यूपाइड ऑन अ थ्रेड बाय वन सिंगल थ्रेड राइट right? ये सिंगल थ्रेड thread, ये थ्रेडेड लेंथ में वो कितनी ऑक्यूपाई करेगी उसके ऊपर से हम ये भी निकाल सकें कि इतने थ्रेड आने वाले हैं नाउ लीड डिफाइन एज अ डिस्टेंस डिस्टेंस विच स्क्रू थ्रेड एडवांस इज एक्चुअली अपऑन वन रोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ मेडिसिन बॉटल और कप सीरप राइट लेट्स लाइक दिस यू मस्ट हैव ट्राई टू ओपन द कैप नाव यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व द थ्रेड वॉन इट राइट द थ्रेड इज नॉट लाइक नॉर्मली वॉट वी हैव इज लाइक दिस वो ऐसे नहीं होते बहुत सारे नहीं होते बहुत छोटे और बहुत कम होते हैं ठीक है तो लीड का क्या कंसेप्ट है लीड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रावल बाय स्क्रू थ्रेड इन एक्सेली इन अपऑन वन रोटेशन अगर नट को या बोल्ट को अगर हम घुमाते हैं लेट्स ए बाय फिगर ठीक है मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर इस नट को मैं एक रोटेशन दूँगा तो वो कितना बाहर निकलेगा या फिर अंदर जाएगा सो लीनियर डिस्टेंस आई एम टॉक अबाउट वो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे लीड बोलेंगे दैट हैज़ रिलेशन विद द पिच दैट हैज़ रिलेशन विद द पिच पिच क्या है अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ थ्रेड टू द नेक्स्ट पॉइंट ठीक है लेट लेट मी ड्रा ओवर हियर इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाना है राइट तो ये क्या है बेसिकली हेलिकल ग्रू है देखिए मैं कैसे ड्रा कर रहा हूं कट करने समय वो क्या होगा लेथ मशीन पर हेलीकल ही कट होने वाला है मतलब एक रोटेशन के बाद इस पॉइंट से हम निकले तो दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर ही पहुँचेंगे मतलब हमने कवर किया वन रोटेशन सो बिकॉज ऑफ दैट वन रोटेशन हाउ मच लीनियर डिस्टेंस इज एडवांस इन वन अपॉन वन रोटेशन इज कॉल्ड लीड राइट सो इट इज रिलेटेड विद द पीच अगर मान लेते लीड जो है उसको हम अगर इस तरह से लिखेंगे एन इन टू ठीक है सो दिस एन इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ स्टार्ट ऑफ थ्रेड सो मेडिसिन बॉटल जो है हमारी जो कप सिरप है तो उसमें क्या होता है डबल स्टार्ट और ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होते हैं इसका क्या मतलब है तीन थ्रेड होते हैं एक बड़ा वाला होता है उसके बाद दूसरा यहां से शुरू होता है और तीसरा यहां से शुरू होता है एक साथ होते हैं शुरू राइट थोड़े थोड़े एंगल पर उसकी वजह से क्या होता है लीड बिकम मोर अगर यहां एन की जगह में क्या करना पड़ेगा तीन और पीछ है हमारा क्या है लेट से फाइव एम एम और लेट से फोर एम एम तो उस मेडिसिन बॉटल की लीड कितनी होगी ट्वेल्व एम एम इसका मतलब क्या हुआ थ्रेड की जो पिच है फोर एम एम है लेकिन कितने सारे थ्रेड है तीन है एक नहीं है तीन है सो so, उसकी वजह से हमें लीड कितनी मिल रही ट्वेल्व मिल रही है अगर एक ही थ्रेड होता तो फोर ही मिलेगी मीन्स इक्वल टू द पिच राइट सो वॉट वी हैव इज बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ थ्रेड वी कैन हैव अ मोर लीड मीन्स कम रोटेशन में हम ज़्यादा एडवांस करेंगे अब ये कहाँ देखने को मिलता है ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ हमें ये चाहिए राइट तो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लाई प्रेस अगर आपने देखा है कहीं पे फैब्रिकेशन शॉप में फ्लाई प्रेस होता है बहुत हैवी व्हील होता है यहाँ पे ठीक है यहाँ से स्क्रू होता है और यहाँ पे वो कंप्रेस करते हैं डाई में तो ये जो थ्रेड है उसमें जो होता है अगर इसको घुमाएंगे वो जल्दी ऊपर जाएगा मेडिसिन जो बॉटल है उसके हमने एग्जाम्पल लिए वेर एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ हैवी लीनियर डिस्टेंस एडवांसमेंट अपॉन वन रोटेशन देर यू हैव टू यूज मल्टी स्टार थ्रेड विच विल गिव यू द मोर लीनियर डिस्टेंस राइट सो लीड इज इक्वल टू द पीच इन केस ऑफ सिंगल स्टार थ्रेड अब एक ही थ्रेड है तो लीड बिकम द पीच इफ इट इज ट्वाइस द पीच इन डबल और थ्राइज द पीच डबल दैट मीन्स वॉट अगर थ्रेड जो है ज़्यादा है ये डबल थ्रेड है तो डबल हो जाएगी यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द पिच लेट्स से पिच इज़ फाइव एम एम सो द लीनियर डिस्टेंस विल बी द टेन एम एम वही थ्रेड अगर हम एक बार घुमाएंगे तो दस एम एम आगे जाएगा या पीछे जाएगा लेकिन एक ही थ्रेड है तो पिच के डिस्टेंस के हिसाब से ही जाएगा आगे पीछे होगा ठीक है सो इट्स डिपेंड ऑन एप्लीकेशंस कि कहाँ वो ज़रूरत पड़ेगी ठीक है तो बहुत सारी केस है सबसे पहले तो हमने मेडिसिन बॉटल की एग्जाम्पल ली तो वहाँ पे हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत रोटेट करते हैं तो वो ओपन हो जाती है राइट सो वी रिक्वायर्ड अ क्विक एक्शन ओवर देयर, राइट जस्ट लुक एट रिकॉल द माइक्रोमीटर तो माइक्रोमीटर में क्या करना पड़ता है उसकी थ्रेड की पिच की डिस्टेंस कितनी है पॉइंट फाइव एम एम डज इट मीन यू हैव टू रोटेट अ थिम्बल बाई वन रोटेशन एंड देट ओनली एडवांसिस पॉइंट फाइव एम एम मतलब ये जो यहाँ पे स्पिंडल जो है वो कितना बाहर निकलेगा ओनली पॉइंट फाइव एम एम अपॉन वन रोटेशन अगर आपको दस एम mm एम बाहर निकलना है तो कितनी बार घूमना पड़ेगा फिफ्टी टाइम्स नहीं घूमना पड़ेगा ठीक है सो so, यही चीज है सो दिस इज वॉट इट्स सेस सो माइक्रोमीटर में पॉइंट फाइव एम पीच वाला थ्रेड है ठीक है एक ही थ्रेड है तो हमको बार बार घुमाना पड़ेगा जितना निकलना है उतना घुमाना पड़ेगा लेट से मुझे पाँच एम एम निकलना है ठीक है और एक एमएम mm के निकलने के लिए दो बार घूमना पड़ेगा तो पांच के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा दस बार तो ये जो थिम्बल है स्पिंडल को बाहर निकालने के लिए पाँच एमएम को तो दस बार घुमाना पड़ेगा राइट अगर वहीं पर अगर हमने तीन स्टार्ट थ्रेड लिए हुए थे तो वही काम स्पीड में हो जाएगा ठीक है लेकिन वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड नहीं डाल सकते हैं ठीक है ना वॉट इज क्रेस्ट क्रेस्ट इज इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड जस्ट लेट्स टू कॉल द फिगर ओवर ही है सो दिस इज वॉट द थिंग इज राइट ये सबसे आप बोल सकते हैं सबसे शार्प पॉइंट है थ्रेड का और सबसे ऊंचा है राइट सो इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड ना वॉट इज रूट इट इज दॉटम सरफेस क्रिएटेड बाय टू एडज फ्लैंग्स ऑफ थ्रेड ठीक है यहां पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं ये जो दोनों क्या है फ्लैंक है ठीक है ये दोनों क्या है फ्लैंक है तो उसकी वजह से ये जो स्पेस बनी हुई है जो जगह बनी उसको क्या बोलेंगे रूट बोलेंगे ठीक है दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज टू फ्लैंक्स ऑफ अ थ्रेड इज ज्वाइन ओवर हियर राइट नाउ डेप्थ ऑफ द थ्रेड इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट मी ड्रॉ अवर ईयर टू एक्सप्लेन इट सो ये क्या है क्रेस्ट और ये क्या है रूट तो दोनों के बीच में जो सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ थ्रेड ठीक है नाउ फ्लैंक इट इज द सर्फेस ज्वाइनिंग क्रेस्ट एंड रूट तो ये जो फ्लैंक सरफेस है वो क्या कर रही है क्रेस्ट को रूट के साथ ज्वाइनिंग कर रही है ज्वाइंट बना रही है ठीक है सो दैट इज वॉट डेफिनेशन से इट्स अ ज्वाइनिंग सरफेस ऑफ बिटवीन द क्रेस्ट एंड रूट नाउ एंगल ऑफ थ्रेड इट इज ए एंगल इंक्लूडेड ये ये इंक्लूडेड जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है दो सर्फेस के बीच वाला एंगल इंक्लूड अंदर का बाहर का नहीं एक्सक्लूडिंग एंगल मीन्स बाहर वाला ये जो सर्फेस बन रही है वो अंदर वाला जो है वो उसकी बात कर रहे हैं सो इट इज अ एंगल इंक्लूडेड बाई टू फ्लैंक्स ऑफ थ्रेड तो ये जो है और या फिर ये जो एंगल जो है उसको क्या बोलेंगे थ्रेड एंगल अगर आप बोलेंगे भाई सर ये वाला कौन सा है तो हम उसको थ्रेड एंगल नहीं बोल सकते इट इज एक्सक्लूडेड एंगल इट इज़ नॉट इंक्लूडेड एंगल ठीक है ना वट इज स्लोप इट इज़ अ हाफ ऑफ द पिच ऑफ द थ्रेड वेरी सिंपल ये हमारा थ्रेड है ये दूसरा थ्रेड है ठीक है हम इसको ले ले रहे हैं पिच और पिच का जो हाफ डिस्टेंस है दैट इज रिफर्ड एज स्लोप दैट इज रिफर्ड एज स्लोप नौ लेट्स डिकस दी वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेड इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है नंबर ऑफ थ्रेड इस्तेमाल हो रहे हैं मैंने पहले ही बोला है कि एप्लीकेशन जैसी होगी उसके हिसाब से थ्रेड बनते हैं तो फर्स्ट वाला जो है उसको बी एस डब्ल्यू थ्रेड बोलते हैं इट इज़ हैविंग फुल फेम फुल नेम ऑफ ब्रिटिश स्टांडर्ड विथवर्ड और दूसरा जो है ब्रिटिश एसोसिएशन ध्यान से देखें क्या डिफरेंस है पहले देखिए यहाँ पे जो जो एंगल है थ्रेड एंगल वो 55 फाइव और यहाँ पे क्या है 47.5 है अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है स्टैंडर्ड डायमेंशन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं अगर ये बी थ्रेड है तो इसका इतना बनेगा और ये बी थ्रेड है इतना बनेगा लेकिन इसके एप्लीकेशन क्या है दोनों में शेप कौन सा है वी शेप थ्रेड है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है एंगल का है थ्रेड एंगल का डिफरेंस है एंगल ज़्यादा होने से क्या होता है और कम होने से क्या होता है अगर कम होगा तो वही यूनिट थ्रेड लेंथ पर ज़्यादा थ्रेड आएंगे मीन्स यू कैन टेक यू कैन हैव अ कंट्रोल ऑफ मोशंस दैट्स वाई इट इज़ रिटर्न यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर प्रिसजन वर्कस तो माइक्रोमीटर में इस प्रकार के थ्रेड इस्तेमाल होते हैं राइट right? अगर आप फास्टनिंग करना चाहते हैं फास्टनिंग फॉर स्पेशल पर्पज़ है तो बी एस डब्ल्यू थ्रेड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल एरो एंड ऑटोमोबाइल वर्क राइट अपनी जो गाड़ी है वहां पे जो हम पंक्चर करते हैं ध्यान से देखिएगा अपने हाथ में लीजिए नट और बोल्ट को और ऑब्जर्व कीजिए किस प्रकार का थ्रेड है सो यूल फाइंड इट गोइंग टू बी अ बी एस डब्ल्यू टाइप नाउ द ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप बी एस पी थ्रेड भी दूसरा बोलते हैं बट दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बी एस डब्ल्यू थ्रेड्स विथ फाइन पीच आर यूज फॉर स्टील एंड आयरन पाइप एंड ट्यूब्स कैरिंग द फ्लूड इसका दूसरा मॉडिफाइड नाम क्या है बी एस पी थ्रेड ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड उसमें डिफरेंस क्या है फाइन थ्रेड है पिच कितनी होगी कम होगी मीन्स ज्यादा थ्रेड आएंगे ज़्यादा थ्रेड आएंगे तो वो ज़्यादा लोड ले सकता है और लीक प्रूफ जॉइंट हम बना सकते हैं राइट सो दैट्स वाई इट इज रिटर्न हियर इट इज यूज फॉर ओनली फॉर स्टील एंड आयरन पाइप्स राइट विच कैरिंग द फ्लूइड्स ओके द अनदर टाइप ऑफ थ्रेड इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड अब इसमें भी देखिए शेप क्या है वी शेप ही है लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ट्रंकेटेड है आगे वाले पार्ट में क्या है थोड़ा राउंड है यहाँ पे देखिए ये थोड़ा राउंड है ठीक है यहाँ पे भी थोड़ा क्या है राउंड दिया हुआ है इट इज़ नॉट शार्प राइट यहाँ पे एंगल कितना है फोर् फिफ्टी फाइव लेकिन अमेरिकन स्टैंडर्ड में क्या है इट इज़ सिक्सटी डिग्री राइट एंड द टॉप क्रेस्ट इज़ ट्रंकेटेड नाउ आर द स्टैंडर्ड डायमेंशंस गिवन अगर आपको हाइट मालूम है तो इसके हिसाब से हम ले सकते हैं ठीक है सो हाइट इज इक्वल टू पॉइंट एटी सिक्स टाइप ऑफ पिच नो वेयर इट इज यूज इट इज यूज फॉर जनरल पर्पज दैट इज ऑन नट बोल्ड एंड स्क्रू एंड टैपेड होल्स तो ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड है ये इसकी एप्लीकेशंस है हम जितने नॉर्मली जो थ्रेड वॉर बोल्ट देखते हैं उसके ऊपर यही आएगा ठीक है दूसरा जो टाइप्स है यूनिफाइड स्टैंडर्ड अब इसमें इसमें क्या डिफरेंस है तो ये देखिए यहाँ पे जो बाहर का जो एंगल था वो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्सटी और दूसरा ये कहाँ इस्तेमाल होता है सो इट इज़ यूज टू फैसिलिटेड एक्सचेंज ऑफ मशीनरी ठीक है स्क्वायर थ्रेड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स डिस्कस इन डिटेल ठीक है स्क्वायर थ्रेड का नाम कहाँ से आया आगे हमने वी थ्रेड भी बोलते हैं क्योंकि वी शेप बनता है ये कौन सा बनता है वी शेप यहाँ पे कौन सा बन रहा है स्क्वायर शेप बन रहा है नाउ इसका क्या फायदा है स्क्वायर थ्रेड की क्या खासियत है अगर हम बोले तो पिच लेंगे तो सेंटर से भी ले सकते हैं इस यहाँ से भी ले सकते हैं राइट सो पिच विल बी सिंपली हाफ ऑफ द थ्रेड विड्थ फिगर से ही मालूम पड़ रहा है ठीक है सो दिस इज द पिच दिस इज पिच सो थ्रेड विड्थ इज हाफ एंड द स्पेस बिटवीन द टू थ्रेड इज ऑल्सो हाफ ऑफ पिच राइट नाउ वेयर इट इज बेसिकली यूज

इट इज़ ऑल्सो यूज इन फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स ध्यान से पड़े मशीन टूल में जितने भी फीडिंग मैकेनिज़म है टूल को आगे ले जाना है या फिर पैराले मूव करना है उसमें सारे में क्या इस्तेमाल होगा स्क्वायर थ्रेड होगा राइट दे आर ऑल्सो यूज इन वाल्स एंड स्पिंडल्स एंड स्क्रू जैक आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम गैरेज है बड़ी कार का पंक्चरिंग होता है रिपेयरिंग होता है वहाँ पे ऐसा क्या होता है स्क्रू जैक होता है ठीक है तो यहाँ से स्क्रू निकलता है उसको एक्सेल को और चेसिस को क्या करता है लिफ्ट करता है तो ये जो थ्रेड है वो उसके टाइप कौन सा है स्क्वेयर है राइट सो दिस इज द एप्लीकेशन नाउ अनदर टाइप इज एक्मी थ्रेड अब डिफरेंस क्या है कि अगर हम कंपेयर करें वी थ्रेड को तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कट कर दिया लेकिन स्क्वायर थ्रेड को बनाना बहुत डिफिकल्ट है तो ये जो इंक्लिनेशन है नाइंटी डिग्री है स्क्वायर थ्रेड में उसको थोड़ा सा चेंज करके हमने क्या किया है थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिया है राइट सो हियर इट बिकम द एक्मे थ्रेड सो इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्वायर थ्रेड फॉर इजी मैन्युफैक्चरिंग एंड हैविंग सेम वर्क आउटपुट राइट इट इज मच स्ट्रांगर देन द स्क्वायर थ्रेड एंड कैन बी इजिली प्रोड्यूस नाउ स्टूडेंट जस्ट फाइंड आउट आंसर ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है इट इज़ स्ट्रोंगर दैन द स्क्र थ्रेड आई जस्ट गिव्यू होम वर्क फाइंड आउट वाई द्रॉगर दैन द स्क्वायर थ्रेड राइट यूज ऑन द स्क्रू कटिंग लेथ ब्रास वॉल्स कॉक्स एंड बेंच वाइसिस राइट अगर हमने वर्कशॉप में अगर गए हैं आपने वाइज इस्तेमाल किया है तो वहाँ पर हम जब ड्रॉ करते हैं जो मूवेबल जॉज है वो जो जो मूव कर रहा है वो थ्रेड पे मूव कर रहा है तो so, उसका थ्रेड कौन सा है टाइप कौन सा है एक में थ्रेड है ठीक है सो ट्राई टू ऑब्जर्व अगेन नाउ द लास्ट इज नकल थ्रेड नाउ यहां पे वी शेप नहीं है लेकिन हमने क्या किया यहां पे राउंड दिया हुआ है दैट्स व्हाट इज रिफर्ड एज नकल राइट इसका क्या बेनिफिट इससे क्या बेनिफिट होगा नाउ राउंडेड एट टॉप एंड बॉटम नाउ रेलवे कैरेज कपलिंग अगर मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दूँ ठीक है अगर यहाँ पे कपलिंग करना है तो ये जो कपलिंग इस्तेमाल होती है उसके भी जो थ्रेड लगते हैं वो वैसे ऐसे होते हैं राइट सो इट इज़ यूज इन रेलवे कैरेज कपलिंग हाइड्रेंट वो हाइड्रेंट क्या है हमारे यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है इंडिया में अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी वहाँ ये लाल कलर का रोड के साइड में होता है वहां से हम पानी खींच खींच सकते हैं इमरजेंसी में तो उसको बोलता है हाइड्रेंट ठीक है तो उसको कैप ओपन करने के लिए ये नकल थ्रेड दिया हुआ है नेक ऑफ ग्लास बॉटल्स अभी जो मेडिसिन बॉटल की बात मैंने की थी उसके ऊपर कौन सा थ्रेड होता है थ्रेड जरूर होता है लेकिन उसका टाइप कौन सा है नकल थ्रेड है ध्यान से जाइए अपने घर पे देखिए अगर बॉटल पड़ी हुई है ऑब्जर्व इट व्हाट इज द टाइप ऑफ थ्रेड इट इज थ्रेड बट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइप राइट एंड अ लार्ज मोल्डेड इंसुलेटेड यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड ठीक है उसके ऊपर भी क्या होता है ये नकल थ्रेड होता है ये इसका क्या मतलब है हैवी जो ट्रांसमिशन टावर है वहाँ पे ब्राउन कलर के इंसुलेटर लगे हुए हैं उसको लगाने में जो इस्तेमाल होता है थ्रेड वो क्या है ये नकल थ्रेड है ध्यान से ऑब्जर्व करिए ठीक है लास्टली वी हैव बट्रेस थ्रेड अब बट्रेस थ्रेड क्या है मॉडिफिकेशन है इट इज़ ओनली यूज टू ट्रांसमिट द मोशन इन वन डायरेक्शन ठीक है वी शेप को हमने क्या करिए हाफ को रिमूव कर दिया और दूसरे को इंक्लाइन करके ट्रेपेजोडल बना दिया सो इट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन वन डरेक्शन ओनली ठीक है यहाँ फोर्स लगा रहे तो इसी तरफ जाएगा और रिवर्स नहीं आएगा बाकी के सारे जो थ्रेड है उसको हम किसी भी डिरेक्शन में बोध डिरेक्शन में हमें लोड और पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं ठीक है नाउ इट हैज़ लो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कैरेटरिस्टिक्स ऑफ द स्क्वायर थ्रेड एंड हैव अ सेम स्ट्रेंथ ऑफ वी थ्रेड ये इसका एडवांटेज है क्या लिखा हुआ है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है कम है और उसकी स्ट्रेंथ भी कितनी है वी थ्रेड जैसी ही है राइट सो इफ यू फाइंड वर्कशॉप में हमारे पास वुड वर्किंग वूड वुड वर्किंग वाइस है यहाँ पर जाके वो ऑब्जर्व कीजिए उसके थ्रेड कैसे है बटरेस थ्रेड राइट नाउ द स्पिंडल ऑफ बेंच वाइज आर यूजअली प्रोवाइडेड विद द बटरेस थ्रेड तो वहाँ पे हम क्या करेंगे बट्रेस थ्रेड क्योंकि हमें रिट्राइव करना होता है अगर हम जल्दी से उसको ओपन करके वुड पीस को फिक्स करना चाहते हैं तो वी हैव टू तो रिट्रेक बैक द मूवेबल जॉ राइट इमीडिएटली राइट सो देयर एंड द मूवमेंट इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन सो जो, so, so, जो वुड वर्किंग वाइसिस है बेंच वाइसिस वहाँ पे क्या होगा बट्रेस थ्रेड ही इस्तेमाल होता है ठीक है एंड लास्टली वट वी हैव इज मैट्रिक थ्रेड उसका नाम दिया हुआ है मैट्रिक थ्रेड यहाँ पे क्या है इसका एंगल कितना है सिक्सटी है राइट नाउ इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड एंड इट इज सिमिलर टू बी एस डब्ल्यू थ्रेड राइट अगर इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड है तो उसका जो थ्रेड एंगल कितना सिक्सटी होगा, होगा उसका शेप कैसा होगा बीस होगा और उसके जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है यहाँ पे फिगर में ड्रॉ की हुआ है राइट इट इज सिमिलर टू द बी एस डब्ल्यू थ्रेड मतलब बी एस डब्ल्यू थ्रेड जहाँ पर इस्तेमाल होता है वहीं पे इंडिया में हम ऐसा ही थ्रेड इस्तेमाल करेंगे लेकिन हम उसको बोलेंगे मैट्रिक थ्रेड उसका डायमेंशन कैस कैस में होगा मिलीमीटर में होगा फॉर एग्जांपल, एम थर्टी सिक्स सो द हाईएस्ट डायमीटर विल बी थर्टी सिक्स राइट थर्टी सिक्स इज़ नॉमिल डायमीटर राइट सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द ऑल द डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स